भी दिए थे, तो मैं सिर्फ वे प्रोटीन्स को यूज कर रहा हूँ। प्री वर्कआउट जैसा आपको पता है कि मैं नहीं लेता, बट पहला मैं सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ इसका वे प्रोटीन। सो आइसोलेट प्रोटीन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे शुगर बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो। के जो दो बंदे हैं जिन्होंने जिम बनाई है उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है, क्योंकि उस जिम में होने के बाद इन्होंने इतनी तरक्की करी सालों ने आवाज उठा के यहाँ लिया जिम को, मेरा क्या रहा है। तो दोस्तों फिर ये जिम आ गई यहाँ पे। और तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच टू दोज गाइस हु सब्सक्राइब्ड माय चैनल। सो आज मैं अभी नहा लिया हूं और इसके बाद जाऊंगा मैं जिम में। उससे पहले सोचा कि जो मैंने सप्लीमेंट का स्टैक लिया था उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी इनको यूज़ करते हो गए हैं 8 से 10 दिन। आपको पता है लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं सप्लीमेंट स्टोर के लिए गया था और मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट एक दो वेयर हाउसेज में विजिट किया और बहुत सारे सप्लीमेंट्स देखे, और उन सप्लीमेंट्स को देखने के बाद जो हम तह पर पहुंचे वो ये था कि सप्लीमेंट का मुझे स्टैक दिया गया और बोला कि इस स्टैक को आप यूज़ करो और उसके बाद ये बताना कि इन सप्लीमेंट्स का रिजल्ट कैसा है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स की ज़्यादा ब्रांडिंग्स नहीं हुई थी, ज़्यादा वो मोस्ट पॉपुलर नहीं है मार्केट में, तो इस वजह से उन्होंने वो सप्लीमेंट्स दिया। बट उन्होंने ये बोला है कि इन सप्लीमेंट का रिजल्ट वैसा ही है जैसे आप 5 से 6 हज़ार रुपये का जो आप वे प्रोटीन्स लेते हो इम्पोर्टेड मार्केट का, उससे भी ज़्यादा का होता है वैसे, तो उसी कंपेरिजन में ये सप्लीमेंट है। तो पहला, वैसे उन्होंने गेनर्स भी दिए थे, प्री वर्कआउट्स भी दिए थे एंड वे प्रोटीन्स भी दिए थे, तो मैं सिर्फ वे प्रोटीन्स को यूज़ कर रहा हूँ। प्री वर्कआउट जैसा आपको पता है कि मैं नहीं लेता, बट पहला मैं सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ इसका वे प्रोटीन। इसका नाम है प्लेटिनम वे प्रोटीन आइसोलेट। सो आइसोलेट प्रोटीन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे शुगर बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि जैसा आपको पता है कि प्रोटीन्स में चार टाइप होते हैं, जैसे कि प्रोटीन ब्लेंड, जो वे प्रोटीन ब्लेंड होता है, फिर उसके बाद आ जाता है कि कॉन्सेंट्रेट, फिर आइसोलेट, और भूल गया मैं। सो ये प्रोटीन में यूज़ कर रहा हूँ। तो पहला तो हम वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला रो प्रोटीन है, इसका नाम है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जीरो कार्ब। ये जीरो कार्ब, जो भी मतलब थोड़ा सा लीन होना चाहते हैं या फिर अपनी अपनी मसल क्वालिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये प्रोटीन उनके लिए होता है जो जीरो कार्ब वाला कॉन्सेंट्रेट या फिर आइसोलेट जो प्रोटीन होता है। तो मैं इन दो प्रोटीन को 8 से 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और इन प्रोटीन्स का रिजल्ट ऑलमोस्ट इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स के बिल्कुल मुझे अभी बराबर लग रहा है। 8 से 10 दिन में वैसे नहीं पहचाना जाता है, बट स्टिल मेरे को कोई वीकनेस फील नहीं हो रही, क्योंकि मैं और कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहा हूं, तो सिर्फ यही दोनों चीजों को यूज कर रहा हूं। जो मैं पहले लेता था वो भी मेरे को सेम रिजल्ट ही था, और जो मैं अभी ले रहा हूँ ये भी मेरे को ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ही दे रहा है, मेरे को कोई वीकनेस नहीं है, उल्टा थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत कम रेंज में है एज़ कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड ब्रांड्स, ये बहुत ही कम रेंज में है, बट स्टिल इनका जो इफ़ेक्ट असर है वो बहुत सही है। और जैसा कि बताया कि इम्पोर्टेड ब्रांड्स के जो रेट है वो इतने हाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो करोड़ों रुपये खर्च करते हैं अपनी ब्रांडिंग्स के लिए और मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो ऑब्वियसली वो कहाँ से निकालेंगे, वो तो अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स को बेचकर ही निकालेंगे। तो जितना भी वो पैसा खर्च करते हैं ब्रांडिंग्स में अपनी मार्केटिंग में, वही पैसा वो अपने प्रोटीन्स को उनके रेंजेस को हाई करने में लगा देते हैं। सो इसी तरीके से ये प्रोटीन्स सप्लीमेंट्स मार्केट में पॉपुलर हो जाते हैं ब्रांडिंग्स की वजह से, हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं और हम महंगे सप्लीमेंट्स को भी खरीद लेते हैं। सो जो ये सप्लीमेंट्स हैं नई कंपनी के सप्लीमेंट हैं, वैसे कंपनी पुरानी है बट उन्होंने ज़्यादा ब्रांडिंग्स में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करा है, सो इसी वजह से इनके थोड़े से रेंज भी कम है। दे रहे हो जैसे मान लेते हैं 6,000 रुपये का है, तो ये ऑलमोस्ट 3,500 रुपये का, वही उतना ही वेट में उतना ही सप्लीमेंट आपको, उतना ही प्रोटीन लेवल आपको मिलता है, सेम स्कूप साइज, सेम एवरीथिंग इज सेम। सो मेरे को ये सही अभी असर कर रहे हैं, बाकी मैं 1 महीने तक यूज़ करूँगा और 1 महीने तक यूज़ करने के बाद इसका सारा रिव्यू, और ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है कि मैं स्टोर ओपन करने का सोच रहा हूँ, सोच क्या, मैं ऑलमोस्ट प्लान बना चुका हूँ बट एग्जीक्यूट करने की देरी है। सो
इन प्रोटीन्स को भी लाएंगे और ऑब्वियसली कुछ ऐसे ब्रांड्स लाएंगे जो आपको असर बहुत ज़्यादा दें कम से कम रेट में। सो अभी हम इसके बाद जाएंगे जिम में और मिलते हैं जिम में। तो दोस्तों अभी आ गए हम जिम में, जाएं जिम में, यह तिगांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ। और इस पहले पूरा जिम देख लो, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया जिम बना दिए। और ये वाली जिम पहले हमारी प्रॉपर्टी में थी। इन यहाँ के जो दो बंदे हैं जिन्होंने जिम बनाई है, उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है, क्योंकि उस जिम में होने के बाद इन्होंने इतनी तरक्की करी। साला ने आवाज उठा के यहाँ लिया जिम को, मेरा गिरा देना। तो दोस्तों फिर ये जिम आ गई यहाँ पे और मिलते हैं उन दोस्तों से। ये मेरे बचपन के दोस्त है, वैसे ये मेरे से 10 साल बड़ा, जैसे मैं 20 का हूँ तो ये 30 का, ये 10 साल छोटा है। तो हाँ भाई सैनी, सुना क्या हाल है? तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा स्क्रिप्ट में है ये तो। तो दोस्तों सभी तिगांव वाले भाइयों के लिए, जैसा कि बहुत बड़ा गांव है, विधानसभा क्षेत्र है, सब बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, सो आई विल सजेस्ट यू एंड रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू प्लीज सपोर्ट दिस मिस्टर सैनी एंड मिस्टर नागर। वहां पे भी कहा भाई हो। और भाई का ज्यादा सपोर्ट है। हाँ। जिम का सेटअप करने में भाई का ज्यादा सपोर्ट है। तो यहाँ पे जितने से जितने ज्यादा लोग जुड़ सके उतना अच्छा है, क्योंकि जोक्स अपार्ट, सारे मजाक अपार्ट, एक दूसरे भाइयों को सपोर्ट करने की, अगर इन्होंने ये काम करा है तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा तरक्की इस चीज में मिले। वैसे तो इतनी तरक्की कर ली है, वहां से यहाँ पे ले आए जिम को। और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद के ये बनाई है। भाई का साथ था तो हमने प्रॉपर्टी खरीदी। सो अब इन दोनों भाइयों को सपोर्ट करना है और बढ़िया बात है यार, इतने यंग एज में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। सो दोस्त यहाँ पे करते हैं वर्कआउट शुरू, और मैं और नवीन पीछे करेंगे यहाँ पे बाइसेप्स का वर्कआउट, और देखते हैं सारी मशीनों को, कुछ मशीनों को बढ़िया तरीके से चेक करके कि कितनी अच्छी जिम है। तो दोस्तों वार्म अप हो गया डन, और हम पहली एक्सरसाइज लेंगे डबल आर्म बाइसेप्स कर्ल से, जो कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में मारेंगे। तो वेट शुरू कर लेते हैं 7.5 के डंबल से। आ मत चला, ये यो ना चला। सो हम जो पहला सेट मारेंगे, वैसे हम 4 सेट मारेंगे, तो हम 7.5 से शुरू करेंगे और 15 तक जाएंगे, और रेपिटेशन लेंगे 16, 14, 12 और 10 के। तो स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस हम थर्ड एक्सरसाइज मारने वाले हैं, लैट पुल डाउन। तो अब आप सोचोगे ये तो भाई बैक की एक्सरसाइज है, अब बाइसेप्स की एक्सरसाइज में क्यों बता रहे हो। बट मसल को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए, जो मसल का ये ब्रॉडनेस थोड़ा सा जो अंडा इस तरीके से बढ़ के आता है, ये एक्सरसाइज उसके लिए यूज़ होती है और बेसिकली मोस्ट साइंटिफिक एक्सरसाइज है। थोड़ा स्लो मारने की ज़रूरत है, रेपिटेशन जिस हिसाब से लगते हैं हम 12 10 8 6 लेंगे और जिस तरीके से लगती है वो अब देखना। फास्ट डाउन एंड स्लो अप। बेस्ट रेपिटेशन जब हम इसको फास्ट हम नीचे लेकर आते हैं और बहुत ही स्लो तरीके से बाइसेप्स पर पंप रख के बिल्कुल स्लो छोड़ते हैं, तो ये इस एक्सरसाइज को इस तरीके से लगाते हैं और जो मसल की ब्रॉडनेस है से दिखाई देती है।
गाइस हम फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज मारेंगे बाइसेप्स की, बारबेल बाइसेप्स कर्ल। इसको थोड़ा सा ब्रॉड पकड़ेंगे शोल्डर्स अप से और चार सेट लगाएंगे। ऑब्वियसली जैसे रोड में ऑलमोस्ट 20 से 22 किलो वजन होता है तो, एंड प्लस हम 2.5 के प्लेट से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 के प्लेट तक जाएंगे। जो रेपिटेशन हम लगाएंगे वो सेम होंगे, 12, 10, 8, 6 चार सेट मारेंगे। और यहाँ पे हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज को करेंगे ख़त्म, और इसके बाद एक एक्सरसाइज मारेंगे हम फॉरआर्म, जो कि सुपर सेट एंड ड्रॉप सेट होगी।